हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी की होली कैसी रही मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने होली में क्या बनाया, क्या स्पेशल खाया। हम लोग इन दिनों लखनऊ आए हुए हैं और चूंकि यहाँ पर पानी चेंज हुआ और सफ़र हुआ, होली खेली गई, तो मुझे थोड़ा सा कफ कोल्ड हुआ है, इसलिए मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। और सुबह सुबह आज होली का नेक्स्ट डे है। हमारे यहाँ साल में दो बार दूज होती है, एक दीपावली के अगले दिन, दिवाली की परिवा के बाद दूज होती है, और होली के अगले दिन दूज होती है। आज भाई दूज है हमारे घर, इसलिए मैंने दूज वाला बताया था आपको। शौर्य के लिए बैग आया है, स्कूल बैग मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। यहीं आने के बाद शौर्य ने च्वाइस किया, उसकी च्वाइस का है, अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है। कलर और जो भी डिज़ाइन शौर्य ने पसंद किया वही आया है। सुपर एक्साइटेड, इतना खुश, और आज ही के दिन दूज में उसका गिफ्ट भी आ गया है, बहुत खुश। लाइट वेट होते हैं बैग्स, और ये वाले बैग जिप वगैरह अच्छी रहती है। बच्चों की स्कूल की बुक्स इतनी हैवी हो जाती हैं, इसलिए जो नॉर्मल बैग्स में वेट होता है वो इन बैग्स में नहीं होता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप देख सकते हैं यदि आप चाहें। बच्चों के स्कूल शुरू होने वाले हैं और ऑफ था काफ़ी, उस हिसाब से ये 800 का बैग है और 2000 समथिंग इसकी प्राइस थी। बैग अच्छा है, जिप वगैरह अच्छी हैं, तीन चार जिप हैं। शौर्य के चेहरे पे खुशी की लहर देख ही रहे हो आप। जब इसका अनबॉक्सिंग कर रहा था, शौर्य खोल रहा था, तो शुभी ने कहा, शौर्य ऐसे मत करो, सब लोग क्या कहेंगे। तो कह रहा है, अरे जब वो भी बच्चे होंगे तो उनको भी तो खुशी हुई होगी जब कोई गिफ्ट मिला होगा, उन्हें तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं, इसलिए बहुत खुश। इतना प्यारा, खूब सारा प्यारू किया, थैंक यू बुआ जी, थैंक यू बुआ जी। और अब बच्चों के नाश्ते की तैयारी हो रही है, सुबह सुबह ही बैग आ गया था उनका। नाश्ते में बच्चों का फेवरेट बनने वाला है सैंडविच, ग्रिल सैंडविच, जिसके लिए चीज और ये लेयर वाली चीज़ यूज़ की जाएगी, अमूल की, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न और अनियन यूज़ किया है। आप यहाँ पर कैरेट भी डाल सकते हो कद्दूकस करके, सॉल्ट पेपर डाल के मिक्स करना है, और बच्चों को अच्छा लगता है, इजी बन जाता है। और बस ब्रेड स्लाइस लो, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस की ज़रूरत होती है, या बटर आप ऐसे एक साइड स्प्रेड कर सकते हो। बस इसमें आप मलाई भी मिक्स कर सकते हो बाइंडिंग के लिए, या मेयोनीज मिक्स कर सकते हो, ये जो स्वीट कॉर्न और बनाया गया है मिक्सचर, तो पहले भी मैं रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ। तो बस आज सुबह यही बन रहा है नाश्ते में, तो एक स्लाइस लगा करके पिज़्ज़ा पास्ता सॉस स्प्रेड कर लें। फन फूड की ये बॉटल है, और रेड चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग चाहिए, तो उससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। बच्चों के लिए तो मिनी पिज़्ज़ा जैसा है, जैसे ब्रेड पिज़्ज़ा। आप इसे नॉर्मल तवे पर भी सेक सकते हो, लेकिन मेरी जो भाभी नेहा है वो इसे माइक्रोवेव में रखने वाली हैं, फटाफट से बेक हो जाएगा दोनों ही साइड से, मतलब सिक जाएगा। तो इसे आप ग्रिल टोस्ट करके कह सकते हो सैंडविच। तो ये जो रैक है इनके, माइक्रोवेव ओवन में मिली हुई है, दो है, छोटी साइज की, एक हाइट में काफ़ी बड़ी थी, तो इस वाली इसमें रखा जा रहा है। इटालियन सीजनिंग और रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल किए हैं। आप यहाँ पर चीज़, यदि आप लेयर वाली नहीं लगाते हो तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो, अच्छा लगता है बच्चों को। तो आज नाश्ता यही बन रहा है, क्योंकि आज फेस्टिवल यानी त्यौहार दूज वाला, भाई दूज, दोपहर में हैवी खाना रहेगा, तो सुबह कुछ इस तरीके का नाश्ता। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और सुबह नाश्ता हो गया, उसके बाद ये कि घर में आगे खाने में क्या बनेगा। शाम में चाचा चाची आने वाले हैं दोपहर में ही, मेरे अयोध्या लखनऊ के पास ही है, वहीं मेरे छोटे चाचा जी, चाची और उनका बेटा बेटू लोग आने वाले हैं, तो वही सब तैयारी कि घर में कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो वो सब आना सुबह के समय में, यही सब ध्यान से रखना करना। मम्मी की पूजा वगैरह सब शुरू है, हम लोगों का सबका नाश्ता हो चुका है, और अब बन रही है इंस्टेंट चटनी, जिसके लिए लिया गया है आमचूर पाउडर और चीनी, चीनी या गुड़ आप ले सकते हैं, सफ़ेद नमक, लाल नमक, भुने जीरे का पाउडर, और एक चम्मच इसमें डाला गया है कॉर्नफ्लोर, थोड़ा थिकनेस लाने के लिए, क्योंकि ये चटनी एकदम लिक्विडी ना रहे, तो
तो एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालने से थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है और ये इंस्टेंट बन जाती है चटनी। जैसे आप भी सोचा कि चटनी बना लें तो शाम में कुछ चाट के आइटम बना लें, उसके लिए भुने जीरे के पाउडर से टेस्ट आ ही जाता है। सारी चीजें मिक्स कर लो, घोल लो और फिर इसे पका लो, अच्छे से उबाल आने दो, खौला लो। तो जैसे आपको लगे कि हाँ अब ये चटनी हमारी परफेक्ट तैयार है, इतना ही हमें चाहिए, उसी हद तक आंच में पका लें। और रेडीमेड पूरी आती है उन्हें फ्राई कर लेंगे, शाम में सब लोग रहेंगे तो शाम में सेव पूरी खाया जाएगा, तो ये चटनी तैयार होगी। मैं इमली और खजूर की चटनी बनाती हूँ अक्सर और मैं रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। ये इस टाइम चटनी बनाई है भाभी ने। और छोले कल भिगोए गए थे, अभी उबाले गए हैं और अभी ये छौंका जा रहा है। दो कढ़ाई में आपको छोले दिखेंगे, इतने थोड़े से दिखेंगे वो बिना प्याज लहसुन के हैं, और इस वाली कढ़ाई में प्याज लहसुन वाले छौंके जा रहे हैं छोले। सरसों का तेल गर्म होती है, तेज पत्ता डालना है और जो भी मसाले पीसे हैं प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया गया है। तो कोई डिटेल रेसिपी में अभी नहीं शेयर कर रही हूँ, बस यही कि बस हाँ ये चीज़ें बन रही हैं, इस टाइप का ही दिखाना चाह रही हूँ। तो बस मसाला पीसा हुआ है तो भून लेना है मसाले को, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये कच्ची प्याज लहसुन और अदरक है, तो इसको इस वाले मसाले को भूनने में टाइम लगता है। अगर पहले से भून लेते हैं फिर पीसते हैं, अलग कम ग्रेवी वगैरह आपको तैयार करनी है। बस यहाँ पर प्याज का ये मसाला है, इसे भून लेना है, तेल सेपरेट हो जाए तब तक भूनते हैं। और इसमें ग्राइंडर जार में टमाटर भी पीस लिए जाएंगे, या फिर जब हम इसमें डालेंगे टमाटर तो ग्रेवी ऐड करेंगे जिससे ग्रेवी अच्छी आती है और टमाटर भी अच्छे निकालना ही पाते हैं कुछ अच्छी ग्रेवी। और टमाटर डाल करके भी इसको भून लेना है, धीरे धीरे ऐसे तेल सेपरेट होने लग जाए तब तक भूनते हैं। और हमारे घर में जो आज भाई दूज है, हमारे यहाँ दीपावली में भी दूध होती है, होली में भी होती है, तो हमारे यहाँ बांदा में बनाते रहेंगे, भी है नानी का ही घर, नानी का घर भी है। तो और हमारी बुआ लोग के लिए तो आज के दिन त्यौहार में हमारे यहाँ लड़कियाँ जितनी बुआ लोग हैं सब आती हैं, पापा और चाचा लोगों को टीका करने। इसी तरीके से मम्मी लोग भी अपने मायके जाती हैं, मामा लोगों को टीका करने, चाचा लोग भी जाते हैं, तो हम लोग भी उन लोग के साथ जाते थे। क्योंकि हमारे यहाँ ना मामा के बेटे को या बुआ के बेटे को हम लोग टीका करते हैं, रक्षाबंधन होता है, राखी भी करते हैं और छोला मसाला डाल करके छोला डाल करके ये छोले उबाले गए हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ खास महत्वृष्ट लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ मेरे चाचा जी हैं जो अयोध्या में हैं, तो वो आएंगे और बाकी सब लोग बांदा में ही। आज के दिन बांदा में बहुत आना जाना चलता है, हम मम्मी लोग चाची लोग सब अपने अपने घर जाते हैं, हम लोग भी नानी के घर जाते थे जब छोटे थे। और अब पूरियाँ बनने लगी, छोले बन गए तैयार, दो बर्तन में थे ना छोले, एक में बिना प्याज वाले मम्मी के लिए और ये प्याज वाले सबके लिए। और सरसों का तेल में पूरी तली जा रही है, यहाँ पर सरसों का तेल काफी यूज करते हैं हर चीज में। मैं काफी सालों बाद था सरसों के तेल की पूरियां खाऊंगी, मेरी भी आदत खत्म हो गई है, हम पीनट ऑयल यूज करते हैं। और किसी ने एक दिन पूछा था पापड़ सरसों के तेल में कोई तलता है क्या, हमारे यहाँ तलते हैं, ये लोग कढ़ाई में फ्राइंग के लिए भी सरसों का तेल यूज करते हैं। ये प्योर सरसों का तेल है, पिसवाया हुआ, जैसे जहाँ चक्की में बनता है ना सरसों का तेल, वो वाला सरसों का तेल प्योर बांदा में बहुत मिलता है। ये तो खैर यहाँ पर भी लोग ये यूज करते हैं। और बस छोले पूरी और जो बांदा से पापड़ आए थे ना, साबूदाने वाले पापड़, आलू के पापड़, तो साबूदाने के पापड़ आज तले गए हैं, बच्चों को बहुत पसंद आए हैं, बहुत ज्यादा एकदम मोतियों जैसे साबूदाने, बारीक बारीक से, और खुसखुसा पापड़ था। जैसे मैंने कढ़ाई पे डाला था तो पूरा अच्छे से फूल के फैला, क्वालिटी अच्छी थी, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो खाने में आज यही था, छोले पूरी और चावल, क्योंकि छोले चावल बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, गुजिया तो स्पेशल रहेंगी रहेंगी, और ये वाइट बड़ा सा जो गोल है ये। और सबका खाना हो गया, गरम गरम पूरियां खाई गई। आज मैंने काफी सालों बाद सरसों के तेल की पूरी खाई है, हमारी भी आदत खत्म ही हो गई है, हम तो मूंगफली का तेल यूज करते हैं और सिर्फ सब्जियां छौंकने में सरसों का तेल यूज करते हैं। ये प्लेट लेके आई थी मैं भुसावल से, हल्दी और कुमकुम वाली टीका करने के लिए, दोनों भाइयों के लिए लेके आई थी। और ये सारा सामान जो हमने यहीं से खरीदा था वो सारा चीजें लगाई जा रही हैं। शौर्य की अलग ट्रे है और मेरे भाई के लिए अलग ट्रे है, जो बताया था मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए हैं,
भाई लोग तो वैसे भी कुछ खाना तो होता नहीं है, पर उनकी फैमिली तो खाएगी ना। ये चीज है कि मतलब फैमिली में खाया जा सकता है। मिठाइयां इनके यहाँ बहुत आती हैं, तो लोग खुद ही नहीं खाते हैं, देख के उबे रहते हैं एकदम, इसीलिए। और सब सजाए, शुभ और शौर्य सुपर एक्साइटेड हैं दोनों के दोनों की इनका टीका लगे, शुरू हो जाए खाना पीना अपना, अपने अपने पसंद का सामान लेके आए हैं। और शौर्य का बैग आ गया है, तो शौर्य और भी ज्यादा खुश हैं, बैग में अपना भर के सामान पूरा उनका पैक हो जाएगा। वो आगे आगे अपना रख रहे हैं, बैठ गए हैं। शौर्य, शौर्य मेरा भतीजा है, लेकिन शुभी क्या भाई है ना, क्योंकि मामा का बेटा है, तो लगा रही है शुभी टीका। ठीक इसी तरीके से जैसे हम लोगों का जो बचपन रहा, हमारी नानी जा रही है मामा को टीका करने, हम लोग मम्मी के साथ गए मामा के घर, मामा के बच्चों को हम लोग टीका लगाते थे। वही चीज है, समझो भी हैं तो लगा रही हैं शुभी। जब हम लोग भूसौल में रहते हैं तो राखी भेज देती है शुभी, टीका के लगाने का चांस ही नहीं मिलता। हमारे दोनों टीके ऐसे जाते हैं भाई दूज, मतलब दिवाली का हो चाहे होली का, हम लोग दूर रहते हैं जाते नहीं है, लेकिन राखी में राखी भेजते हैं। अब शौर्य यहाँ पर हैं तो शुभी दीदी उनका टीका कर रही हैं, शुभम को तो खैर करती ही हैं। और ठीक इस तरीके से बांदा में भी होता है, हमारी बुआ लोग आती हैं, उनके बच्चे आते हैं साथ, तो हम लोगों के अभी हम लोगों ने बचपन से ही ऐसे ही है, हम लोग क्या उस तरफ का है ही, जहाँ पे मतलब हम लोग रहते हैं ना बांदा में, वहाँ इसी तरीके की ही कल्चर है। जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा, तो इसलिए मैंने ऐसा बोला कि वहां पर बुआ के आतिया के घर में तो शादी हो जाती है, मतलब महाराष्ट्र में मैंने सुना, सगी बुआ को लोग आत्या कहते हैं। और हम लोगों के यहाँ बचपन से ही ऐसा माहौल रहता, तो भाई बहन ही रहते हैं हम लोगों के यहाँ। और ये टीका हुआ शौर्य का, शौर्य शुभी दीदी को चॉकलेट खिला रहा है, उसका पूरा निगाह उसकी अपने खाने पीने की चीजों में, क्यूट तो वो इतना ज्यादा है कि अब क्या बताऊं। जय करने को कहा कि बेचारा आधा झुका चेयर से और फिर खड़ा हुआ, और दीदी को जैसे ये देना है शुभी को दे रहा है वो चॉकलेट, तो क्या पहले एक बार पकड़ाया, फिर कहता है उस तरीके से, लो दीदी जैसे कोई प्राइज दिया जाता है इस तरीके से। शौर्य बहुत प्यारा हुआ है, एकदम प्यारू प्यारू उसको ऐसे ही कहते हैं हम लोग। और देखो बैग में अपना जितना सामान पूरा भरने में लगा हुआ है, और भर के पीठ में टांग वांग के खुश, बच्चों को ना छोटी छोटी चीजों में इतनी खुशी। अभी तो उसका पेंसिल बॉक्स यहाँ रखना भूल गया था, वो पहले जब हम लोग आए भुसावर से तो बच्चे लाए थे, वो सब उसको अपने अलमारी में पहले रख चुका था और मतलब फिर उसके बाद उसको याद आया वो सब सामान भी। इसके 3 जिप है, बता रहा था मुझे, इसमें मैं बुक्स रखूंगा, इसमें मैं कॉपीज रखूंगा, इसमें लंच बॉक्स, और इसमें ये कॉम्पास रखूंगा, सारा कुछ उसका। और उसको खुश देख करके बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब बचपन अलग ही। अब थोड़े शुभी शुभम तो देखो बड़े हो गए ना, थोड़ा समझने लग गए हैं चीजों को। और इस एज में जो शौर्य वाले बच्चे हैं वो बहुत ही मासूम और प्यारे, और जो इतना मीठा वो बोलता है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हंसी आ जाती है मुझे तो। अब उसका पैक हो गया है, तो बस इसी तरीके की मजा मस्ती थी। और सबका खाना पीना हो गया, शुभी शुभ ने शुभम को भी टीका कर दिया। मेरी चाची चाचा आ गए हैं, ये देखो 2 बड़े बड़े डब्बे ड्राई फ्रूट्स के आए हैं, फ्रूट्स भी आए हैं और मिठाइयां भी आई हैं। ये है मेरा बेटू, बेटू मतलब इसको घर में सब बेटू कहते हैं, स्कूल में इनका नाम है सिद्धांत। अब कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और बीटेक इनका हो चुका है मेरी चाची का सिर्फ एक ही बेटा है, सबसे छोटे वाले चाचा जी हैं उनका बेटा है, पूरी फैमिली इनको बेटू कहती है। मुझे तो मतलब बेटू का बचपन मेरे ही सामने हुआ, मतलब मैं इलाहाबाद में जब पढ़ती थी तो चाचा चाची इलाहाबाद में ही रहते थे, मुझे वो बेटू अभी भी, मैं बेटू को देखती हूँ उसका वही चेहरा, वही क्यूटनेस, वही प्यारू प्यारू एकदम। सबसे छोटा भाई है, मतलब मेरी फैमिली हमारी जैसे बांदा में बड़ी फैमिली है ना, चाची वाची सब हम लोग का एक जैसा रहता है, तो बहुत सारे भाई हैं मेरे, लेकिन ये सबसे छोटा भाई है बेटू। बेटू के लिए मैंने ली है सिल्क मिल्क, 2 बड़ी उसकी हैं, चाची ने साफ बोला था उनके यहाँ मतलब मिठाइयां और ड्राई फ्रूट की भरमार रहती है, इसलिए हमें मेरे चाचा उन्होंने कहा बेटू चॉकलेट खाता है तुम उसके लिए सिर्फ चॉकलेट ही लेना, तो उसके लिए थी, तो मैंने उसको पेठा खिलाया और मैंने कहा अपनी चॉकलेट घर लेकर जाना तुम। और ये बच्चे कोई शेयरिंग नहीं करने पाए, सब बच्चों के लिए भी चाची चॉकलेट लेके आई थी, 3 बच्चों के लिए अलग अलग सबका पैकेट है, और उसका खराब भी नहीं होगा, खुलेगा नहीं यहाँ तो अपने अयोध्या में खाएगा। और ये देखो बेटू बच्चों के साथ में, शुभी को जितना कुछ पूछना है कोटा के बारे में, पहले बेटू कोटा में ही था ना कोचिंग के लिए, तो वहीं अक्षु भी जाएगी, तो इसलिए मामा से सब बातें उनकी। ये बैठे हैं मेरे चाचा जी,
और ये बेर उबाले गए हैं आज। बेर सालों बाद मैंने आज बेर खाया, सालों बाद। हाँ, क्योंकि वहां उबले हुए बेर ये बांदा में मिलते हैं। बेर का बिरचुन भी बनता है और ये उबले हुए बेर सुबह उबाले गए थे, मैं क्लिप नहीं ले पाई। सूखे बेर थे, उसको पानी और चीनी डाल के उबाला गया है। फिर जब उबल जाते हैं फिर उसको ठंडा हो गया है और फिर नमक छिड़क करके फिर ये खाए जाते हैं। मुंह में डालो तो चूसो तो पल्प निकलता है, फिर गुठली हटा दी जाती है। ये मेरे चाचा जी हैं और इनको काम है इसलिए जाना है, तो मम्मी अभी उनको गुलाल लगा रही हैं टीका करके, और चाची और बेटो भी हैं। और दोपहर में सब लोग साथ थे, ये शाम का टाइम है। सारा दिन हम लोग सब ऊपर नीचे यही हुआ आज। अच्छा लगा, एक रौनक रहती है ना, जैसे मतलब सब लोग रहते हैं तो बातें। और अब शाम का टाइम, जो चटनी बना के रखी गई थी इंस्टेंट, वो इसीलिए रखी गई थी दही पूरी का टाइम। तो आलू उबाले गए, आलू प्याज और नमक मिलाया गया, चटनी है, और फिर पानी पूरी के ये बताशे तले गए हैं, जो मैं पैकेट वाले तलती हूँ ना वैसे ही तले गए हैं। और फिर इसमें सब भरा गया है, आलू प्याज और दही डाली जा रही है, मीठी दही चटनी, और सेव डाले जा रहे हैं। तो ये सेव पूरी कह लो या दही पूरी कह लो, ये खा रहे हैं सब लोग। सोचो मेरे सामने सबने खाया, मैंने एक भी टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा गला खराब है। तो मुझे लगा दही और आमचूर नुकसान ना करे ना, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहती मैं, बस ठीक होना चाहती हूँ। वरना मेरे से फिर ना वॉइस ओवर में भी दिक्कत होती है, और शूटिंग में भूसौल में तो प्रॉपर शूट करना होगा, तो कैसे बोलूंगी मैं। इसीलिए मैं नहीं खा रही, मुझे जाना है तो ठीक होना है। दवा भी खाई है मैंने आज, और बस जल्दी ठीक हो जाऊं, फिर भूसौल पहुंचेंगे, फिर वहां पे शूटिंग शुरू। अभी थोड़ा आज मार्केट भी सोच रही थी जाने के लिए, मतलब आज यानी कि दूज के अगले दिन की बात हो रही है, तो मार्केट भी जाऊंगी। लखनऊ में एक भी दिन मार्केट नहीं निकली ना, मार्केट जाना है शुभ के लिए, कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो सब भी शॉपिंग करूंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या लिया लखनऊ से हमने, और फिर जाने का टाइम हो गया। बस ऐसा ही आज का ब्लॉग, जब से पानी पूरी खाई गई फिर सब बच्चे, बेटू शौर्य का चाचू है और शुभ शुभम के मामा है।